मंडल महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और जेपीवी रियल्टर्स द्वारा आयोजित आज के इस डीम कन्वेंस के कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित धीरेन्द्र भाई सेठ, अनंत भाई मेहता जी, हमारे विधायक योगेश भाई सागर नगर से और मुकेश मिस्त्री, मेरे मित्र राजीव बजाज जी, जिगर बोरा, मंच पर उपस्थित अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इन सभी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव बजाज जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, वो इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं साथ ही साथ जिगर बोरा जी से पूछना चाहूंगा, डीम कन्वेंस के इस कार्यक्रम में हमारा ऑडिटोरियम में लाइट क्यों डिम है? सही है, इसका कोई व्यवस्था है तो थोड़ा लाइट। हाँ, अंधेरे से उजाले की ओर जाना है ना, हमको परेशान बहुत हो गया। नगर पालिका आपके पास है, राज्य सरकार आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है, और फिर भी अगर जीवन में उजाला नहीं आया तो कैसे चलेगा? देखिए, डीम कन्वेंस के बारे में रमेश प्रभु के साथ में बहुत सारे मीटिंग हम लोगों ने किए। मेरी भूमिका जो वो दिन थी वही भूमिका आज भी है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि आज थोड़ा अंडरवेट महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को, क्योंकि राज्य सरकार में भी मेरी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी मेरी पार्टी की सरकार है। मैं फिर एक बार वही बातें कहूंगा जो कांग्रेस के जमाने में सरकार के समय में हम लोगों ने किया है। और योगेश भाई और मुकेश मिश्री से मैं कहूंगा कि अब हमको जवाबदारी की भूमिका भी निभानी पड़ेगी। मुझे अन्य कार्यक्रम में जाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। योगेश भाई को भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा बैठिए और मेरा भाषण भी सुनिए, ताकि विधानसभा में जो आवाज उन्होंने उठाया उसको और जोर से उठाकर। राजू बजाज जी तो बहुत आशादायी है कि वो एक साल में हो जाएगा, इस प्रकार का भावना उन्होंने व्यक्त किया। मैं चाहूंगा कि ये सेशन समाप्त होने के पहले ही डीम कन्वेंस का एक सुधारित परिपत्र कर महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दिया। और मुकेश मिश्री से मैं कहूंगा कि जितने भी सोसाइटी के लोग आए हैं इन सारा का एनरोलमेंट का सिस्टम तो होगा ही, आप उसकी कॉपी एक योगेश भाई को दीजिए और एक मुझे दीजिए। हमको इसको डे बाय डे मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और हो सकता है कि 6 महीने में हम एक बार मिलेंगे, तब हमको पब्लिक को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम पहली बार जब मिले थे तब इतने सारे सोसाइटी के लोगों ने एनरोलमेंट किया था और उसमें से सरकार ने डीम कन्वेंस का सुधारित परिपत्र निकालने के बाद में इतने लोगों को कम से कम पैसा खर्चा करके डीम कन्वेंस देने में हम लोग कामयाब हुए। ये हमको अकाउंटेबिलिटी वो कर लेंगे, मेरा भाषण सुनने के बाद कर लेंगे लोग, ये हमको करना पड़ेगा। और ये करने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों से भी सहयोग चाहूंगा। आप लोगों से सहयोग यह है कि फिर एक बार मेरा भाषण, इसके पहले बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, डीम कन्वेंस क्या है, यह मसला कहां से प्रारंभ हुआ और ये कहां तक हम पहुंचे और इसमें बीच में कमियां और खामियां क्या है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। हम सबके दिमाग में एक बात ये घुस गया है कि बिल्डर ने बहुत बड़ी बदमाशी की है। जो बिल्डर ने बदमाशी की है आप हमको उनका नाम दीजिए, निश्चित आपके प्रतिनिधि के नाते और सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम दोनों हैं, तो हम आपको उसमें न्याय देने का पूरा पूरा काम करेंगे। लेकिन टोटलिटी इसमें बिल्डर का ही दोष है कि आपको बिल्डर का टोटली दोष नहीं है, जो टोटली सरकार का भी दोष है क्या? तो मैं आज भी कहूंगा कि टोटली सरकार का भी दोष नहीं था, इसे जो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा दोष आप लोगों का है, थोड़ा दोष बिल्डर का है, थोड़ा दोष सरकार का है और थोड़ा दोष
सरकारी अधिकारी और पॉलिटिशियन लोगों का भी है कि जितना हमने काम करना चाहिए था नहीं किया, इसलिए मसला इतना सारा बिगड़ा हुआ। इट्स ए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द फोर ग्रुप्स और हमको सारे लोगों को इसमें अभी महत्व की भूमिका आने वाले दिनों में निभानी पड़ेगी। एक कहां से प्रारंभ हुआ तो मैं आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि पहले दिनों में जब बिल्डिंग कंसर्न स्टार्ट हुआ तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ही बिल्डिंग का प्लान पास होता था महानगर पालिका में। अब कॉरपोरेशन ने और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे सुधार और चेंजेस लाया है इस सारे मसले को देखकर, तो बिल्डर के ख्याल में उन दिनों में यह था कि बिल्डिंग पूरा होते ही मुझे तो सोसाइटी को कन्विंस करके देना है, तो मैं क्यों अपने पास कन्विंस लू, हो सकता है टैक्स बचाने के लिए किया होगा, और मैं जब बिल्डिंग पूरा करके जाऊंगा तो सोसाइटी के नाम पे जमीन मालिक से कन्विंस करा दूंगा और मैं चला जाऊंगा। अब ये काम जब बड़े पैमाने पे शुरू हुआ तो सरकार को लगा इसमें से हमको पैसा मिलना चाहिए, तो स्टैंड ड्यूटी का शायद कायदा उन दिनों में लाया होगा। अब उन दिनों में फिर यहां पर झगड़ा यहां से प्रारंभ हुआ था, स्टैंड ड्यूटी फ्लैग परचेसर भरेगा या बिल्डर भरेगा, ये झगड़ा शायद शुरू हुआ होगा। बिल्डर तो कहेगा कि मैंने जब काम शुरू किया था तब कायदा नहीं था, फ्लैग परचेसर भी कहेंगे कि कायदा नहीं था, लेकिन मूल ये है। देखिए मैं मार्गदर्शन आप करूंगा तो थोड़ी नाराजगी भी मैं झेल कर जाऊंगा आप लोगों से, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जिस दिन आपको कन्विंस मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व हो जाएगा, उस दिन थोड़ा गुस्सा मेरा पूरा भाषण सुनने के बाद में आपके मन में आएगा, वो खत्म हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंस अबाउट दैट, इसलिए मैं उस बात की चिंता नहीं करूंगा, और अभी चुनाव के लिए भी बहुत समय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंप ड्यूटी जिसने फ्लैट लिया है, मैं अगर कोई चीज खरीद करता हूं तो मैंने स्टैंप ड्यूटी भरना चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं बिल्डर ने प्रॉपर्टी खरीदा तो बिल्डर नहीं भरना चाहिए, यस यू आर ऑल्सो राइट, बिल्डर ने भरना चाहिए, लेकिन अगेन बिल्डर जब आपको कन्विंस देगा तो आपको वापस स्टैंप ड्यूटी तो भरना ही है। इसलिए ये जो मसला है इसको कोई पॉलिटिशियन भी मुझे लगता है कि इतने लंबे सफर में समझा नहीं पाया, सरकार भी समझा नहीं पाई, सब अपना अपना काम करते थे और ये साफ प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब ये प्रॉब्लम पेचीदा कहां पर हो गया, ये प्रॉब्लम पेचीदा यहां पर हो गया, जो मूल बिल्डर था उसने 10% 20% जमीन मालिक का पैसा बाकी रखा था, वो जमीन मालिक को जब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा वो कन्विंस देगा नहीं, साहब आप भी नहीं दोगे और मैं भी नहीं दूंगा। ये जमीन मालिक के बच्चे उन दिनों में माइनर थे और मेजर हो गए, अब प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत हो गया, इसलिए वो आज साइन नहीं करते हैं। सरकार का जो कायदा है, वी आर लिविंग द रूल ऑफ लॉ, हम लोग महाराष्ट्र में कोई सरकार का एक कायदा लेकर चलते हैं, किसी के मन में कुछ भी आ करके ऐसा होता नहीं, तो ये सब फॉर्मेलिटी पूरा हुए बगैर कन्विंस कैसा होगा, ये समस्या खड़ा हो गया और इसमें बहुत लंबा सफर हम लोगों ने पीछे खो दिया। अब 20-25 साल के स्पैन में सोसाइटी के लोगों ने भी इतना इसमें पहल करने का कोशिश इसलिए नहीं किया, सब कुछ चल तो रहा है, क्या पड़ी है, होगा कभी ना कभी, लेकिन अभी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जब आ गई तब हमको लगा कि कन्विंस के बिगड़ तो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर थोड़ा फोर्स इसमें बढ़ना शुरू हो गया और सरकार ने पहला डीम कन्विंस का कायदा किया जब कांग्रेस का सरकार था, तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था, और मैं बहुत आपको कहूँ तो हमारा जब सरकार 95 या 99 आया था तब भी हम लोगों ने भी प्रयास किया कि डीम कन्विंस दे देना चाहिए, लेकिन ये लीगल हिच आया तो हम लोग उसको कर नहीं पाए, इट इज ऑल ऑन द रिकॉर्ड, मैं कुछ छुपा हूं तो कुछ छुपने वाली बात नहीं। लेकिन फिर एक बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आ गई और विलासराव देशमुख जी ने वो डीम कन्विंस के बिल पर साइन कर दिया और फिर उसके रूल्स वगैरह बनने में बहुत सारे समय लग गए और ये कन्विंस का जीआर निकलने के बाद में भी उसमें इतने सारे कंडीशन डाले गए जो आपको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कन्विंस हुआ ही नहीं। फिर उसमें हम लोगों ने विधानसभा में बहुत आवाज उठाई, फिर उसमें फिर वापस परिवर्तन करके फिर एक सर्कुलर निकाला, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई होगा तो कुछ कन्विंस का गाड़ी आगे बढ़ गया, कुछ लोगों को मिला भी, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं बहुत लंबा न करते हुए अभी मेरे मन में क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं डीम कन्विंस चाहता हूं कि वन लाइन डीम कन्विंस सरकार ने योग में निकालना चाहिए। डीम कन्विंस में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का कंडीशन मैं पहले दिन से कहता हूं कि इसको आप मिक्सअप मत करो, क्योंकि अपने उत्तर मुंबई पश्चिम उपनगर में उन दिनों में 22 लाख का बिल्डिंग सब ऑक्यूपेशन भी आता है और डीम कन्विंस भी डायरेक्ट कन्विंस बिल्डर लोग देते हैं, क्योंकि सब रूल्स बन गए। अपने पश्चिम उपनगर में 2200 बिल्डिंग आज से 10 साल पहले इट इज ऑन द रिकॉर्ड जिनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाने की अगर बात करते हो तो ये 2200-2500 बिल्डिंग में तो ऑक्यूपेशन डीम कन्विंस मिलेगा ही नहीं,
और मैं बार बार कहता हूं कि आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को कन्वेंस के साथ में लिंकअप मत करिए। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक बिल्डिंग बनाने के लिए जितने कंडीशन डाली गई थी कॉर्पोरेशन ने, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो यू आर पेइंग डबल वाटर चार्जेस, वो अपनी जगह पर चल रहा है। डीम कन्वेंस इज ए मैटर, इज अ ट्रांसफर ऑफ लैंड। अब कोई कहेगा कि ट्रांसफर ऑफ द लैंड अलॉन्ग विद द बिल्डिंग, वो भी अपनी जगह पर मुद्दा है, लेकिन कन्वेंस एक डीम कन्वेंस, एक आदमी अपना जमीन दूसरे को देता है, इतना ही है। इसको एकदम सिंप्लीफाई आप करो, और मैंने इसका तर्क दिया, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है बीच के, मैं बता दूं आपको। इसमें बहुत सारे मालिक है 25 साल 30 साल के पहले गुजर गए। डीम कन्वेंस क्यों होना चाहिए? आप कायदे में कितना भी सिंप्लीफाई करोगे तो लोगों को कन्वेंस नहीं मिलेगा, ये मैं छाती ठोककर कहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, बजाज साहब का टीवी मुझे शूट कर रहा है। डीम कन्वेंस के कायदे के बगैर लोगों को कन्वेंस मिलेगा ही नहीं, बाय एंड लार्ज लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए डीम कन्वेंस इज मस्ट। ये क्यों है? बहुत सारे लोग गुजर गए, अब जो लैंडलॉर्ड गुजर गया उसके लिए अगर सरकार डीम कन्वेंस का एक कायदा एकदम सिंप्लीफाई नहीं करे तो आपको कन्वेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मालिक तो गुजर ही गया। आप सारे कंडीशन फुलफिल करेंगे तो भी वो साइन करने के लिए नहीं आएगा, या तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी उसके बच्चे के पास होगा तो नहीं आएगा, तब तक तो करेगा ही, गुजर गए समझो। बहुत सारे मालिक आउट ऑफ इंडिया चले गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई यूके चले गया, कोई कहां चला गया, उनको कुछ पड़ी नहीं इस प्रॉपर्टी का, यहाँ का आपका कन्वेंस होगा नहीं। बहुत सारे मालिक ऐसे थे जिन्होंने छोड़ दिया ऐसा ही, जो उसका आता पता ही नहीं, उनका कन्वेंस आपको नहीं होगा। तो इतने लोगों का तो कन्वेंस आपको होगा ही नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो मतलब डीम कन्वेंस करते समय सरकार भी अपना साइड सेफ रखे। आप एक कंडीशन डाल दो, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। अगर कोई लिटिगेशन खड़ा करता है, तो दो सोसाइटी के लोग देख लेंगे, एक पहले फेज में इतना कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे मन में है कि 60-70% केसेस क्लियर होगा। जो गुजर गए वो क्लेम करेगा नहीं, जो आउट ऑफ इंडिया है वो क्लेम करेंगे नहीं, जिन्होंने आशा छोड़ दिया है, जिसका आता पता आपको भी नहीं मालूम है, वो भूल गए और श्रीमंत हो गए वगैरह वगैरह। तो ये इतने बड़े लॉट है, ये निकल जाएंगे। अगर कोई 10-20% लोग लिटिगेशन खड़ा भी करते हैं कि हमारा राइट बढ़ रहा है, हमारा पेमेंट बाकी है वगैरह वगैरह, तो वो केस को हम बाद में निपटा सकते हैं, सटा सकते हैं, और वो तो जेन्युइन है। आज सरकार कितना भी करने के बाद जिसका साफ पेमेंट आपने किया नहीं है, 10-20% जो भी है उसकी जो अपेक्षा है वो दिए नहीं, तो कन्वेंस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, आपको मैं घूस करने के लिए चार बातें अनाप शनाप बोलकर निकल जाओ, आप ताली बजा देंगे, लेकिन आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। तो डीम कन्वेंस योगेश भाई सिंप्लीफाई एकदम कर दो, और उसमें कंडीशन डाल दो सरकार को अपने सेफ्टी के लिए, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन करके 3 महीने का टाइम दे दो पेपर में डिक्लेयर करने के बाद में, और लोगों को कन्वेंस हमने विदाउट एनी कंडीशन जो बिल्डिंग में रहते हैं FSI फुल हो गया उसका कन्वेंस कर दो। प्राइवेट लेआउट में जहां पर FSI फुल यूटिलाइज नहीं हुआ है वहां पर नहीं होगा, ये थोड़ा हिच है उसमें। और मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि उसमें बिल्डर का राइट आज भी बना हुआ है, FSI अगर बैलेंस होगा तो। FSI फुल यूटिलाइज किया है, बिल्डर ने आपको कन्वेंस दे देना चाहिए। और योगेश भाई साथ साथ में एक कंडीशन हम ये भी निकालेंगे कि FSI फुल यूटिलाइज होने के बाद में भी अगर कोई जमीन मालिक और बिल्डर कन्वेंस में कोई अड़िंगा पैदा करता है तो उसको हम जेल में डालेंगे, ये भी हमको व्यवस्था साथ में करेंगे। मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं बिल्डर का फेवर का भी बात करता हूँ। आप बिल्डर या जमीन मालिक जो भी है, आपका पेमेंट बाकी है तो आपको पेमेंट मिलना चाहिए, है ना। आपका पूरा होने के बाद में अगर आप लिटिगेशन छोटा खड़ा करते हो तो फिर आपको शासन भी होना चाहिए। तो साहब ये सारा डीम कन्वेंस का मामला निपट जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी, एकदम सिंप्लीफाई हमको करना पड़ेगा। और जब मैं प्रकाश भाई को मिला, प्रभु हम सब लोग मिलकर, तो प्रकाश भाई ने ऑफिसर को बुला कर कहते कि भाई करो, और उन्होंने बहुत स्पष्ट भाषा में योगेश भाई कहा कि 3-4 GR हमने पहला निकाला है, गोपाल शेट्टी बोलते हैं वैसा एक बार निकाल दो, ये नहीं हुआ तो और एक GR निकालेंगे। सरकार को काम क्या है, अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो और एक GR निकालेंगे, प्रकाश भाई ने ऑफिसर को कहा। और ऑफिसर ने कहा था कि मैं गुरुवार तक इसका मसौदा तैयार करता हूँ, 3 गुरुवार निकल गए, 3 गुरुवार निकल गए, ये हमको करना पड़ेगा। और मैं बहुत खुलकर कहता हूँ योगेश भाई, जो कांग्रेस के जमाने में हमारे अधिकारियों ने, जो अच्छे अधिकारी है उनका हम स्वागत करते हैं। मैं अधिकारियों से कहूंगा, पॉलिटिशियन और हमारे पार्टी में अगर कोई कम होंगे, जैसा मैं आपके बारे में खुलकर कहता हूँ, आप भी हमारे बारे में कहिए साहब,
ये ऑफिसर लोग जो 10 लाख लाओ, 15 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जमाने में बिल्कुल आपको करने
कन्विंस करके आपको कन्विंस दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दोनों की कॉपी दे लूंगा, उनके मैगजीन में है। ओके हाँ, मैं आपको कन्विंस सरकार और हम सब लोगों ने मिलकर कैसा होना चाहिए बता दिया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, बिगर कन्विंस से भी आपका सोसाइटी रिडेवलपमेंट कैसे हो, इसको थोड़ा आप सुन लीजिए। देखिए, जो बिल्डर के पास कन्विंस है, अगर बिल्डर के पास ही कन्विंस नहीं है तो आपको डीम कन्विंस में चारा, बिगर कोई चारा नहीं। अगर कोई बिल्डर के पास कन्विंस है तो मार्केट इज वेरी मच ओपन। एक तो कुछ लोगों को यह लगता है कि हमको अगर कन्विंस मिल गया तो हमको ऑफर बिल्डर अच्छा देगा, ये बहुत सही भी नहीं है और बहुत गलत भी नहीं है। क्योंकि आपके पास कन्विंस है तो बिल्डर को तुरंत काम चालू कर देगा, उसको आपको 1-2% 5% जो भी ज्यादा देना हो दे देगा। लेकिन ये 2-5% ज्यादा लेने के लिए, कन्विंस प्राप्त करने के लिए जो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और उसमें कुछ खर्चे भी है, साफ कितना भी आप ट्रांसपेरेंसी की बात करो तो जहां पर खर्चा है वहां पर खर्चा है। सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हमको ये अधिकार देते थे कि आउट ऑफ पॉकेट आप एक्सपेंस करके इतना कर लो करके, ये पॉसिबल नहीं है। हम लाने का कोशिश करेगा और जिंदगी भर उसको सफलता मिलेगी नहीं, ये भी अपने जगह पर उतनी सही है। तो जो बिल्डर के पास कन्विंस है वो मार्केट में ऑन गोइंग सिस्टम से जो भी परसेंटेज और जो भी आपको कॉर्पस फंड वगैरह वगैरह देता है, तो ये मेरा मानना है कि आपने उसके साथ में जाना चाहिए। बिल्डर की सक्षमता के बारे में आप देख लो, किसी के पास जाना चाहिए, ये मेरा मत नहीं। अगर वो कर सकता है, उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, तो आप उसके साथ में जाइए, वो सारा करके आपको अपना बिल्डिंग रिडेवलपमेंट करके दे देगा। ये भी एक पहल के पर आप सोचे आने वाले दिनों में, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। उसमें आपको कोई भी गारंटी के लिए अगर मुझे योगेश भाई को, मुकेश मिश्री को, भारतीय जनता पार्टी को आपको बीच में रखना है, हम आपके साथ में रहेंगे। आप बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट कर लीजिए, बिल्डर जो आपके साथ में करार किया है वो आपको मिले, ये देखने का काम हमारा है। क्योंकि आप लोगों ने भी आपके पास कुछ बचा कर रखा ही नहीं, आप लोगों ने कॉर्पोरेशन हमको दे दिया, आप लोगों ने राज्य सरकार हमको दे दिया, आपने केंद्र सरकार भी आपको दे दिया, तो अभी तो आपके पास हमको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और हम भी बिल्कुल नहीं कह सकते, अरे राज्य और केंद्र तो हमारे पास है, लेकिन ये कॉर्पोरेशन का मामला है इसलिए सब प्रॉब्लम है। 2017 में आप जीता तो फिर हमको डील कर, ये तो बचा ही नहीं, अभी मामला पूरा खत्म हो गया है। इसलिए 2017 के चुनाव के पहले योगेश भाई हमको भी एक कमिटमेंट पब्लिक के साथ में कर लेना पड़ेगा, जिसके पास हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, वो बिल्डिंग को डीम कन्वेंस मिला है, उसको रिडेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात के लिए आपको देने के लिए और मैं आपको यह हाथ देगा। ओके, मुझे लगता है बाय लार्ज सब हो गया है, बाय लार्ज सब हो गया है। बोलिए यस, नहीं अभी मैंने बात कर लिया ना, ये मुझे मालूम है, मेरे पास बहुत शिकायत आई है। 48 रुपीज पर स्क्वायर फीट चार्ज किया गया ऐसा उनका कहना है। आगे अभी मैंने कहने के बाद में जो भी आपको वकील लोग कन्विंस ला के देंगे उनसे बातचीत कर लीजिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ, उनका मेहनताना उसको मिलना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा मेहनताना होना नहीं चाहिए, आप लोग तय कर लीजिए। सीओडी के मामले में बजाज साहब, इसको थोड़ा अच्छा एडिटिंग करके मेरी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाइए। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, सीओडी के बारे में मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। कांग्रेस के सरकार के समय पे 4 साल सीओडी का मसला हल नहीं हुआ, मेरा सरकार आने के बाद में भी 1 साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है, जिसका मुझे बहुत दुख है और खेद व्यक्त करता हूं मैं। और मैंने ये तय किया था कि ये पार्लियामेंट का सेशन मैं अटेंड नहीं करूंगा अगर सीओडी का मामला हल नहीं हो, पर व्हाट आई शुड गो टू पार्लियामेंट। अगर नो कॉस्ट प्रॉब्लम भी अगर हमारे सरकार के लोग अगर सॉल्व नहीं करेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई काम में समय लगा तो मैं समझ सकता हूं। सीओडी का मामला तो गैर कानून लादा गया है साहब, गैर कानून लादा गया है। बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए, केसेस भी उसके बारे में चालू है। मैं न्यायाधीशों से भी विनती करूंगा कि भाई अगर कोई गलती है तो आप सजा दीजिए ना, बिगर गलती के कोई सजा आते हुए थे 5-5 साल। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिनके घर टूट गए वो चले गए, बिल्डर भाड़ा देता नहीं, इसे बिल्डर को वापस मैं दोष नहीं देना चाहूंगा, बिल्डर कितना दिन भाड़ा देगा, डेडलॉक ही बना हुआ है, तो बिल्डर ने भाड़ा बंद कर दिया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने
अभी आप मुझे पत्र लिखना है आपका काम कर दो, ठीक है ना, जितना पत्र लिखना है उतना मैं लिखूंगा। 31 तारीख को इसमें देखिए बहुत महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इतने कम समय में उन्होंने नया जीआर निकाल कर कह दिया कि अब इसके आगे सीओडी का एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को मिलकर कहा कि आप केंद्र सरकार को कहिए कि 2011 का तुरंत विड्रॉ करिए। मैंने कॉर्पोरेशन को जाकर कमिश्नर से कहा कि यू आर द प्लानिंग अथॉरिटी, सब आपने 5 साल में क्या किया, कुछ नहीं किया आपने, सब डेवलपमेंट के काम बंद पड़े, आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो कमिश्नर भी जागे हैं, उन्होंने भी एक पेपर भेज दिया। वर्षा में 1.5 महीने के पहले एक मीटिंग हुआ, मैं सवाल उसमें था, तो भास्कर जी थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और परिकर जी डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमको कमिटमेंट किया कि 30 जून तक मैं विड्रॉ कर पाऊं और उन्होंने कहा इलीगल सर्कुलर है ये, डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि इलीगल सर्कुलर है, आई विल विड्रॉ इट। मैं आपको बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट गई उसमें ऑपर डिफेंस के लोगों ने उसमें ऐतराज उठाया है। आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं इस मुद्दे को आपका प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। मैं कौन से पार्टी का हूँ, कौन से पार्टी विलेज में है, यहाँ मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए प्राइमरी है कि जो गलत जुर्मी कानून डिफेंस के माध्यम से आपके ऊपर लादा गया है उस पर जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करता हूँ। एक सांसद हमारा दिल्ली के लोकसभा में कम हुआ तो भी चलेगा, मैं सही समय पर मेरा निर्णय लेकर केंद्र सरकार को जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर करूंगा। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो बातचीत करूंगा। जो मुद्दे हैं थोड़ा योगेश भाई के लिए भी हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये लिंक करना, इसका जीआर वगैरह पीछे पड़कर निकालना ये उनका ही काम है। मेरा लोकसभा का सेशन पूरा होने के बाद में मैं भी शायद ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है प्रकाश भाई ने जिस प्रकार से बात की है, योगेश भाई थोड़ा सब लोग मिलकर धक्का मारेंगे तो यही लोग विधानसभा का सेशन है, डीम कन्वेंस का मुद्दा आ जाएगा। जो कुछ भी सवाल होंगे आप योगेश भाई उसको आज जवाब दे देंगे और मैं भी उनके साथ में फॉलोअप करके जानने की कोशिश करूंगा। मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रगति मित्र मंडल और बाकी सारे लोगों को, एक अच्छा फिर एक बार पहल किया और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए। मैं आपसे निवेदन एक ही बात करना चाहता हूँ, इसको डेट टू डे हम लोग फॉलोअप करके अंतिम निर्णय तक जाने के लिए सफलता हासिल करेंगे। 6 महीना 12 महीने का टाइम अभी भी साफ नहीं चलेगा, है ना, ये 6 महीना 12 महीने का बहुत हो गया, अभी हम दिन में काम करेंगे, नॉट इन वीक ऑल्सो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।